नमस्कार मित्रों, हूँ सुपंडे किरण कुमार अने आजे आपने जोईशुं नर्सरी बेड केवी रीते तैयार करवुं अने बीज वावणी। तो आपणे जोईए नर्सरी बेड एटले शुं। तो नर्सरी बेड एक एवो विस्तार छे ज्यां आवश्यक जमीन अने योग्य पर्यावरणीय परिस्थितिओ उपरांत छोड माटे योग्य अंकुरण माध्यम, जरूरी पोषक तत्वो, पाणी, योग्य तापमान, ऑक्सिजन वगैरे पूरू पाडवामां आवे छे, जेथी बीजनो अंकुरण अने वृद्धि तंदुरस्त रीते करी तेमाथी तंदुरस्त छोड उछेरी शकाय। हवे आपणे जोईए नर्सरी बेडना फायदा। तो ते अनुकूल रीते रोपाओनी संभाळ लई शकाय छे, पाकनी परिपक्वतानो समय घटाडी शकाय छे, एटले के आपणो छोड सारी रीते उगाड़ी शकाय अने तेने जल्दीथी आपणे ट्रांसप्लांटिंग करी शकाय छे। जमीन अने समयनुं व्यवस्थापन योग्य रीते करी शकाय छे। रोपाओने नर्सरी पथारीमां उछेरवाथी मुख्य खेतरनी तैयारी माटे वधु समय मळे छे, एक समान तदुपरांत रोपाओ उछेरी शकाय छे। हवे आपणे जोईए नर्सरी बेड तैयार करवानी पद्धति। तो माटीनी 15-20 सेंटीमीटर ऊंची पथारी तैयार करवामां आवे छे, जेनी पहोळाई 0.45 अने 1.20 मीटर वच्चे अने लंबाई 3-5 मीटर सुधी राखवामां आवे छे। नर्सरी पथारी एवी रीते तैयार करवामां आवे छे के जेथी पियत दरमियान वधारानुं पाणीनो निकाल थई शके अने पथारीमां पाणीनो भराव न थाय। नर्सरीनी पथारी बनावा माटे माटी साथे दर चौरस मीटर दीठ 10-15 किलोग्राम कुदरती खातर मिश्र करवामां आवे छे। पथारी तैयार करता पहला तेमां रहेल तमाम नींदण, पत्थरो, कांकरा, ढेफा वगैरे दूर करी तेने समथळ बनावामां आवे छे। त्यारबाद पथारीमां बीजने हरोळબંધ વાવવામાં આવે છે। નર્સરીની પથારીમાં પાણી, ખાતર અને અન્ય કામગીરી કરવી સરળ રહે તે માટે બે પથારી વચ્ચેનું અંતર 30-40 સેન્ટીમીટર રાખવામાં આવે છે। આભાર। હવે આપણે જોઈએ બીજની પથારી માટે જગ્યાની તૈયારી। તો નર્સરી બેડ બનાવવા માટે જગ્યાની પસંદગી નીચે આપણે જોઈએ તે પ્રમાણે પ્રકાશીય વાતાવરણ, નજીકમાં પાણીના સ્ત્રોતની ઉપલબ્ધતા અને ફળદ્રુપ અને જંતુમુક્ત માટી વગેરે ઉપર આધાર રાખે છે।